नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश राजस्थान और जिला भरतपुर। भरतपुर जिले में एक थाना है रुदावल। रुदावल के एक गांव ब्रह्मवाद से एक लड़का 5 अगस्त 2024 की रात थाने पर पहुंचा। थाने पर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह राजावत मौजूद थे। उसने आके बताया कि मेरा नाम पंकज है और मैं फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। ब्रह्मवाद में मेरी बहन रेनू ब्याही थी और उसके पति का नाम नरेंद्र है। मेरे बहनोई नरेंद्र ने मेरी बहन को मूंज कूटने वाली मुंगरी, मूंज जिससे रस्सियां बनाई जाती हैं, सूत उसका निकाल के रस्सियां बनाई जाती हैं, पतली रस्सियां, और ज़्यादातर खाट के बीनने का काम मूंज की रस्सियों से किया जाता है, बहुत मजबूत होती है। तो मूंज के पीटने का जो जो लकड़ी का हथियार होता है, मुंगरी, गोला होता है, हाथ में एक हत्था होता है, थोड़ा भारी होता है, उससे सिर पर वार करके मेरी बहन की हत्या कर दी है। पुलिस ने फौरन उसकी सूचना पर FIR दर्ज की। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर रेनू की लाश पड़ी मिली, सिर पर कई बार इसी भारी चीज से बार बार वार करके उसके शरीर सिर को कुचल दिया गया था, लेकिन पति उसका नरेंद्र मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने खोजबीन शुरू की। इनिशियल सारी FSL की टीम वहाँ गई थी, MIU की टीम वहाँ गई थी, और सब लोगों ने अपनी जांच पड़ताल करने के बाद लाश का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। गांव में आसपास लोगों से बातचीत करनी शुरू की, क्या हो सकता है। लोगों ने बताया कि ये पति पत्नी की तरह रहते थे, लेकिन इनकी शादी होने का पता हम लोगों को गांव में नहीं लगा। ज्यादातर समय ये लड़की मृतका रेनू अपने मायके में, अपने पीहर में रहती थी, यहाँ बहुत कम आती थी। परसों ही यहाँ आई थी और आज इस घटना के बारे में गांव को जानकारी हुई। जब पुलिस आई तब, खैर, FIR के बाद लाश उसकी, उसके भाई और बाकी जो पीहर से लोग आए थे, पोस्टमार्टम के बाद ये लाश उनको हैंडओवर कर दी गई अंतिम संस्कार के लिए, और पुलिस ने इसको ढूंढना शुरू किया, उसके पति नरेंद्र को। तो बहरहाल उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी। मुखबिर की सूचना के आधार पर ही खेरिया मोड़ से उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने पर लाया गया। उससे विस्तृत पूछताछ शुरू की गई कि आखिरकार क्या बात थी जो उसने अपने पति को, अपनी पत्नी को इस तरह से मार दिया। पूछताछ में ये पता लगा कि दोनों की ये दूसरी शादी थी, नरेंद्र की भी और रेनू की भी। नरेंद्र की एक बहन पानीपत में रहती थी, लड़की वाले उसके जानने वाले थे। वो ऐसे लड़के की तलाश कर रहे थे कि जो तलाकशुदा हो या जो विधुर हो, जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। ऐसा एक नया सा चलन चला है कि दोनों का मैरिटल स्टेटस एक जैसा अगर हो तो कम से कम इस बात को लेकर उनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और ऐसा होता भी है। अगर दोनों के साथ कोई समस्या रही हो और दोनों की दूसरी बार शादी हो रही हो तो सामान्य रूप से ये शादी चलती है, दूर तक चलती है। तो ये पता लगा कि दोनों की दूसरी शादी थी।
शुरुआत में तो वो आकर कुछ दिन रही, लेकिन उसके बाद पति पत्नी में कुछ मनमुटाव होने लगा। इस मनमुटाव के कारण अक्सर रेनू अपने पीहर चली जाती थी। समय बीत जाने के बाद कभी कभार वो स्वयं और कभी कभार नरेंद्र उसे उसके पीहर से बुलाकर लाता था। पुलिस ने आगे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ये तो सामान्य सी बात है, जरूरी नहीं कि जो शादी करके आया है उसके बहुत अच्छे संबंधी हो। 10% 15% लोगों के आते ही कुछ न कुछ बात ऐसी हो जाती है जो दूरी बन जाती है। समय के साथ ये दूरी कम भी होती है और बाद में तो ऐसा लगता ही नहीं कि शुरुआत में आपस में इन लोगों में मतभेद हुआ होगा। तो नरेंद्र ने बताया कि साहब, हम जब जब फोन करते थे उसको तो उसका फोन बिजी आता था। दो चार बार जब फोन बिजी आता था तो मैं जानबूझकर दिन में 10-12 बार उसको फोन करता था। अगर तो रिंग गई, उसने उठा लिया तो सामान्य हालचाल, कैसे हुआ, क्या खाना खाया और क्या हालचाल है, मम्मी पापा कैसे हैं, इस तरह की बातें। और अगर फोन बिजी आया तो मैं टाइम नोट कर लेता था और एवरेज 10 में से 5 बार उसका फोन बिजी ही जाता था। एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद या एक बार ये जानकारी करने के बाद जब वो घर आई तो मैंने उससे ये पूछा कि ये फला फला तारीख को इतने इतने बजे और तुम्हारा फोन हमेशा बिजी आता है, तुम आखिरकार दिन भर या रात भर किससे बात करती हो। उसने फौरन वही जवाब कि वो हमारी फला सहेली, वो फलानी मौसी, फलानी चाची, चाचा की लड़की, ये सब जवाब वो दिया करती थी। उसके इन सब जवाबों से नरेंद्र कभी संतुष्ट नहीं हुआ और घर में भी वो हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किसी दूसरे से बात करते उसको मैं पकड़ लूँ, मोबाइल देख लूँ, तो मेरा शक पुख्ता हो जाए, तब मैं इससे बात करूँ। और शायद इसीलिए वो कभी भी जब लौटती थी, जब आती थी अपने ससुराल अपने पति के पास, तो 3-4 दिन से अधिक नहीं रुकती थी, वो चली जाती थी। और जैसे ही वो पीहर जाती थी ये फिर चेक करना शुरू करता था कितनी बार फोन करने पर उसका फोन बिजी आता है। पुलिस ने कहा यह सामान्य सी बात है, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल फोन की आदत होती है, लत लगी होती है, उन्हें दिन भर किसी न किसी से बात करनी होती है, रिश्तेदार ही सही लेकिन किसी न किसी। उसने कहा नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मैं तो नहीं बात करता किसी से। इसका कहीं न कहीं चक्कर था और इस चक्कर को पता लगाने के लिए लगभग 3 महीने से मैं परेशान था। मैं बिना बताए अपने ससुराल पहुंच जाया करता था कि शायद कोई मिल जाए। ससुराल की जो बाजार होती थी वहां दिन दिन भर वेट करता था कि ये आए, इसके साथ कोई आए, लेकिन ऐसा कभी मिला नहीं। फिर भी मेरे मन में जो शंका थी वो इतनी जबरदस्त हो गई कि मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि जब दोनों लोगों की स्थिति एक जैसी थी, जब शादी की गई, देख समझ के शादी की गई और यहाँ तक कहा गया कि भाई लोगों को ये पता न लगे वरना लोग ताने मारेंगे, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट मैरिज किए। मैं बार बार इस बात को दोहराता भी था कि भाई हमारी कोर्ट मैरिज है और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी को मजाक उड़ाने का मौका भी मिले। लेकिन उसने कभी बता के नहीं दिया कि वो किससे बात करती है या किस वजह से उसका फोन इतनी बार बिजी जाता है। तभी उसने डिसाइड कर दिया कि ये बेवफाई जो कर रही है मेरी पत्नी, इसका दंड उसको मिलेगा। अब की बार जब वो आई तो उसने बिल्कुल तय कर रखा था कि अब की बार उसे जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। या तो वो ये बताएगी कि उसका किससे अफेयर है,
पुलिस ने ये भी पूछा उससे, नरेंद्र से, कि तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी पर शक था? बोले, हाँ सर, मुझे शक था इसके बहनोई पे, यानी मेरे साढ़ू पे। मुझे लगता था कि इसके उसके संबंध हैं। तो उन्होंने कहा, ये तुम पुलिस को बता देते, पुलिस CDR निकाल के बता देती तुम्हें। तो उसने कहा, नहीं साहब, मैं नहीं चाहता था कि कोई और इस बात को जाने कि मेरी पत्नी के किसी और से संबंध है। लेकिन जब मैं बिल्कुल पक्का हो गया कि इसके किसी और से संबंध है, और ये घर आई, यानी अपने ससुराल आई, और फिर रात में मौका देखकर मैंने मूंज पीटने वाली मुगरी से सोते समय इसके सिर पर दसियों बार हमला किया, और जब तक मर नहीं गई मैं वहां खड़ा रहा। मरने के बाद ही मैं वहां से गया। पुलिस ने नरेंद्र को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, देखिए, आज की घटना वैसे तो बहुत ही सामान्य घटना है, और किस्सा गोई में इसको स्थान मिलने का दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन कोई असाधारण घटना या बहुत ही सामान्य हो चली है ये बातें, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है, मार दिया। लेकिन कुछ विशेष जरूर है इस घटना में, जिसकी वजह से इस पर मेरी निगाह गई हो, मैंने चाहा कि ये आप तक इस घटना के बारे में पहुंचाया जाए। पहला कि लड़के और लड़की दोनों की दूसरी शादी थी। कम ऐसा होता है अगर लड़का किसी वजह से तलाकशुदा हो जाए, या पत्नी मर जाए, या कोई और दुर्घटना हो जाए, तो वो ये चाहता है कि उसकी ऐसी लड़की से शादी हो जिसकी पहले शादी न हुई हो, यानी वो ये चाहता है कि बिल्कुल नई नवेली ही लड़की मेरी दुल्हन बने। ठीक है, ही लड़की भी चाहती है कि चलो, एक बार की शादी में तो वो खराब दिन थे, बुरे दिन थे, बुरा वक्त था, आदमी ठीक नहीं था, घर वाले ठीक नहीं थे, छूट गई, तलाक हो गया, लेकिन अब की बार मुझे अच्छा दूल्हा मिले, फ्रेश दूल्हा, जिसे नई टर्मिनोलॉजी आई है जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, फ्रेश दूल्हा, में ये उसकी तमन्ना होती है। लेकिन यहां दोनों की शादी एक परिस्थिति वाले लड़का लड़की से शादी हुई, देख समझ के शादी हुई, देखी देखा भी हुई मंदिर में, और एक दूसरे को समझने का मौका दिया गया, बातचीत हुई, सारे तमाशे हुए और तब शादी हुई। ऐसा भी नहीं कि किसी शादी.com टाइप की वेबसाइट से शादी हुई हो तो उसके चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो। लड़के की बहन, जो लड़की की तरफ से भी, जिसकी लड़की भी दूरदराज से रिश्तेदारी लगती थी, उसने बिचौलिए का रोल किया और उस लड़की की और इस लड़के की शादी कराई, बिल्कुल नेक नियति से। उसकी बहन की नीयत बिल्कुल नेक थी कि अगर हम किसी ऐसी लड़की से जिसकी पहली बार शादी हो रही हो उससे कराएंगे, तो ये बात हमेशा पति पत्नी के बीच आएगी कि पहली वाली के साथ तुमने क्या किया था, वो क्यों चली गई। दुनिया भर की बातें कभी सास से पूछेगी, कभी ससुर से पूछेगी। तो इससे बढ़िया ये है कि दोनों की एक ही तरह की स्थिति हो, ये परित्यक्ता हो या तलाकशुदा हो, ऐसा ही भाई भी है हमारा, तो कम से कम इस मामले को लेकर दोनों में या दोनों के परिवारों में कोई विवाद नहीं होगा। जब भी ये एक की बात करेंगे तो दूसरा उसका जवाब देगा कि तुम कौन अलग हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और ये सामान्य बात भी है कि इस तरह की शादियां चलती हैं, तो बहन ने बिल्कुल ठीक किया था। दोनों वक्त और हालात के मारे हुए थे। कायदे की बात तो ये थी कि दोनों को स्थिति समझकर साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए थी, कि बड़ी मुश्किल से फिर हम लोगों के जिंदगी में ये दिन आया है, हम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। 19-20 कोई 100% परफेक्ट पति पत्नी, पति को पत्नी नहीं मिलती और पत्नी को पति नहीं मिलता है। जो उसके दिमाग में या उसके मन में जो शक्लो सूरत और बाकी चीज़ें हैं वो नहीं मिलता ऐसा। लेकिन लोग कहते हैं कि ऊपर वाले का दिया हुआ जोड़ा है ये, तो इसको निभाना चाहिए या निभाने की कोशिश करनी चाहिए।
और ये बात किसी को पता न लगे, लोग हंसे नहीं, इसीलिए दोनों परिवारों ने मिलकर कोर्ट में शादी की। दोनों तरफ से परिवार के दो दो तीन तीन सदस्य ही मौजूद थे, न इनके रिश्तेदारों को पता लगा न उनके रिश्तेदारों को पता लगा। लेकिन इन दोनों में बाकी तो सब ठीक था, लेकिन एक बीमारी बीच में आ गई, शक की बीमारी। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि शक की लाइलाज बीमारी होती है, कोई इलाज नहीं है शक का। शक का कीड़ा अगर आपके दिमाग में चल पड़ा, रेंग लिया, तो फिर कोई उसे आपके दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता। आप अगर खुद इतने समझदार हो जाएं कि एक शक को सिर्फ शक मानकर, झूठ मानकर उसे बच कर निकलें, तभी शायद आप जिंदगी में सफल हो पाए, वरना इस शक ने किसी को अपनी जिंदगी में सफल नहीं होने दिया। पत्नी की एक आदत या किसी की भी आदत हो सकती है, बहुत से लोगों की, यंगस्टर्स में तो बहुत ज्यादा, बहुत से घर में पुरुष या स्त्री की दिन भर फोन पर बने रहने की आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है फोन का। कुछ तो हैं जो सिर्फ उंगलियों पर फोन पर खेलते हैं, कुछ हैं जिन्हें हर समय कान में लगा हुआ फोन आपको दिखाई देगा, या तो किसी से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं उसकी बात, या खुद बोल रहे हैं। अब वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक उनके सोने का टाइम नहीं हो जाता। ये एक लत है और ये शक से भी बड़ी बीमारी है, और जाने कितनी जिंदगियों को इस मोबाइल फोन ने और इस तरह के मोबाइल फोन रखने वाले व्यक्तियों के इस तरह के आचरण ने पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। लड़के को जब कुछ शक हुआ तो उसने अपने शक को सच साबित करने के लिए दिन में एवरेज 10-10 बार अपनी पत्नी को फोन करता था, और ये देखता था कि कितनी बार ये फोन बिजी आया। अगर उठा लिया तो सामान्य बात, अगली को ये पता लगता कि बड़ी बड़ी केयर करता है, और नहीं उठाया तो पन्ने पर नोट कर लिया कि 27 जुलाई को 11 बजे, 3 बजे और शाम को 8 बजे बिजी था। इकट्ठा करता गया, इकट्ठा करता गया। जब पत्नी आई तो उससे पूछा कि आखिर ये किससे बात हो रही थी इतने दिनों से, वो भी कोई ना कोई जवाब दे देती थी, तमाम रिश्तेदारों के नाम गिना देती थी। वो कहते थे नंबर बता दो तो नंबर भी कहती थी, ये लो नोट कर लो, अगली बार से जब तुमको शक हो तो इस नंबर पे डायल करके देख लेना कि मुझसे बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी। लड़की ने अपनी तरफ से उस शक को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नरेंद्र कभी उसकी सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे हमेशा ये लगता रहा कि किसी गैर मर्द से बात ही करती है ये, और तभी उसने ये तय कर लिया कि मेरा शक बिल्कुल सही है, इसका किसी न किसी से संबंध है, और अब इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। ये डिसीजन सिर्फ शक की बिना पर हुआ। बड़ी कोशिश की उसने कि कोई बात मुझे ऐसी मिल जाए जिससे मैं ये बता सकूं कि तुम झूठ बोल रही थी। जितनी बार भी उसने सफाई दी होगी, नरेंद्र उस सफाई को मानने को तैयार नहीं हुआ, और तब उसने ये डिसाइड किया कि बाकी चीजों से तो समझौता कर सकता हूं, बेवफाई से कोई समझौता नहीं। इसने जो बेवफाई मेरे साथ की है उससे इसके जिंदा रहने का हक ही हक अपना खो बैठी है, और इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। वैसे अगर वो चाहता तो इसके बहुत से कारण थे। अपनी बहन को ये बताता, बहन अपने उन रिश्तेदारों को बताती जिस परिवार से ये लड़की थी। बहन जानने की कोशिश करती, महिला थी वो पूछ सकती थी भाभी से अपने कि भाई इतनी इतनी बार तुम्हारा फोन, हम भी जरा तुम्हारा फोन देख लें, तुम्हारी किससे बात होती है, तुम जिन दोस्तों की और रिश्तेदारों की बात करती हो उनके नाम क्या हैं, किस नाम से ये सफ़ीड है। अगर उसने ये जिक्र बहन से किया होता
तो बहन की कराई हुई शादी थी, जरूर वो उसके शक का निराकरण करती। दूसरा, अगर उसको ये लगता था कि उसका शक बिल्कुल सही है तो वो तलाक दे देता, कहता कि भाई हमें इनके साथ नहीं रहना है, हम परिवार को बताता कि हम भाई तलाक लेंगे। ये भी एक तरीका था। तीसरा तरीका था कि पंचायत करता हुआ अपने गांव में, लेकिन फिर वही बात कि ये दोनों नहीं चाहते थे कि बाकी लोग जाने कि हम दोनों की दूसरी शादी हुई है, इसलिए शायद पंचायत का ऑप्शन भी उसको ठीक नहीं लगा होगा। और उसके दिमाग में ये घुस गया, ये शक जो उसे हुआ था, उसे बस सिर्फ ये लगता था कि ये शक नहीं है, ये बिल्कुल सही है और ये मेरी पत्नी की बेवफाई है, इसका दंड उसे मिलना चाहिए। और इसी शक के बिना पर उसने रेणु की हत्या कर दी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। देखिए, मैंने बहुत बार बताया है कि मोबाइल सबसे ज्यादा इस तरह के झगड़े की जड़ बनता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच झगड़ा, नई शादी के बाद पति पत्नी के बीच झगड़ा, नई शादी के बाद बहू सास के बीच झगड़ा, मतलब शादी के बाद तो ये हालत है कि पहला काम ही है एक दूसरे का फोन चेक करना, चाहे मांग के चेक करे या धोखे से चेक करे, ये इंतज़ार करते रहे कि भाई ये किचन में जाएगी तो मोबाइल छोड़ जाएगी तब मैं देख लूँगा, जब ये नहाने जाएगी मोबाइल बाहर छोड़ेगी तब मैं देख लूँगा, यही पत्नी करती है कि ये चार्जर में लगा के बाहर किसी से मिलने भर जाएं, मैं देख लूँ किससे किससे बात करते हैं, मतलब आधा टाइम। और अगर मान लिया फ़ोन लेके ही वो किचन में जा रही है, फ़ोन लेके ही वो बाथरूम जा रही है नहाने के लिए, तो फिर किचन के दरवाजे पे कान लगा के खड़े होना, बाथरूम के दरवाजे पे कान लगा के खड़े होना कि कोई ना कोई बात जरूर है जो ये फ़ोन लेके भीतर जाती है। इसका वाइसी वर्षा भी है, पुरुष अगर अपने साथ साथ बिल्कुल सीने से लगा के मोबाइल रख ले लेकर चले तो पत्नी को शक करने का पूरा अधिकार है या पूरा आधार है उसके पास कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, ये फोन एको मिनट के लिए छोड़ नहीं रहे। अगर वो बाथरूम लेके चले गए तो ये समझो कि पूरा टाइम जब तक वो बाथरूम में घुसे और घुस के वापस नहीं आए बाथरूम के दरवाजे पर कान ही लगा मिलेगा। कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं सिर्फ झगड़े का कारण वही मोबाइल। बहुत पहले, आज से कोई साल भर पहले, एक बहुत गंभीर इसी तरह के प्रकरण में किस्सा गोई में मैंने बताया था, और मुझे जो रास्ता सुझाई देता है वो ये कि जब ये सर्वविदित है, सर्वमान्य है कि मोबाइल ही किसी के राज का संग्रह होता है, मोबाइल ही आपके आचरण और दुराचरण का संग्रहालय होता है, ये मान के लोग चलते हैं कि इसकी आदत ठीक नहीं है, रात में देर से आता है, कोई ना कोई फोटो गैलरी में मिल जाएगी, फिर जिद होती है कि मोबाइल दिखाओ। तो इसका सबसे बढ़िया जो सादा सीधा सलूशन है वो ये है कि शादी जब उसकी तिथि डिक्लेयर हो जाए तो आपको 10-15-20 दिन एक महीने का समय मिले, आप नया सिम ले लीजिए, नया मोबाइल ले लीजिए, आपके जो जरूरी नंबर हैं उनको फीड कर लीजिए, आपके घर वालों के, रिश्तेदारों के, जिनसे आपके संबंध हैं, जिनसे बात करते हैं, जिन पर किसी को शक हो सकता है वो नंबर पुराने, वो नंबर अपना पुराने मोबाइल में फीड रहे। और ये दोनों पर लागू है, ऐसा नहीं सिर्फ लड़की पे लागू है, ये दोनों पर लागू है, नया सिम। वो अपने ससुराल वालों को वही अपना नया नंबर दे, अब वो अपने ससुराल वालों को वही अपना नया नंबर दे, तो कम से कम ये, और शादी हो के आप पहुंच रहे हैं, अपना मोबाइल, पति अपना मोबाइल पत्नी को, पत्नी अपना मोबाइल पति को कि जरा देखना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, क्या कोई कर लेगा उसमें, कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा डाल देगा, कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा उसमें मिल जाएगी। और शुरुआती अगर 8 महीने 6 महीने साल भर मोबाइल की वजह से कोई शक न हुआ
तो फिर एक बार पटरी पर गाड़ी चल पड़ी तो चल पड़ी। उस पे बाद में लोगों ने सवाल पूछा था कि साहब जिसका 20 साल का पुराना नंबर है वो क्या करे। तो अरे भाई 20 साल के पुराने नंबर के चक्कर में शादी थोड़ी कोई खराब करेगा। आप उन लोगों को एक मैसेज कर दीजिए कि भाई मैं ससुराल जा रही हूं और मेरा वहां का नया मोबाइल नंबर ये रहेगा। उन लोगों को अवॉइड करिए जो आपके दोस्त हैं, जो हर तरह की बातें आपसे कर लेते हैं, हर तरह के वीडियो और फोटो आपसे शेयर कर लेते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। या उनको बता दीजिए कि भाई ये हमारा नया नंबर है, कृपा करके इस पर कोई फ़ोन न करे, जिसे जो कुछ करना है हमारे पुराने नंबर पे कर दे, जब मैं माइके आऊँगी मैं देख लूँगी। यही लड़के के साथ रहे कि वो भी तमाम दोस्त हर मेल के, हर आदमी के, हर लड़के के होते हैं ऐसे कि वो तमाम ऐसी चीज़ें वो एक दूसरे से शेयर करते हैं जो दूसरे के लिए आपत्ति का कारण बन सकती है। तो नया नंबर आपके पास है, अगर नए नंबर पे किसी ने कहा किया भी ऐसा कुछ तो ठीक है, पति का पत्नी देख लेगी, पत्नी का पति देख, वो ये तो जानती है कि हाँ इनके दोस्त हैं, छिछोरे भी दोस्त होते हैं ये सब दुनिया जानती है। तो कम से कम मोबाइल की वजह से कोई झगड़ा तो नहीं होगा, मतलब मोबाइल की जासूसी में 24 में से 12 घंटे लग जाएं कितना कठिन होगा आप सोच लीजिए जीवन यापन करना। एक यही सलूशन मेरी समझ में आता है, बाकी तो कोई इसका सलूशन प्रैक्टिकली जमीन पर होने वाला संभव नहीं लगता है। इसलिए इस तरह से शुरू करेंगे, शक की कोई गुंजाइश मत रखिए, और झपट्टा या छापा या रेड मोबाइल पर ही होती है। हर आदमी को ये एक उत्कंठा होती है जानने की कि भाई जिससे मेरी शादी हुई इसका पहले तो किसी से कुछ नहीं था, या पति को ये होता है कि यार ये आई है यूनिवर्सिटी में भी इतने साल रही है और यहाँ भी रही है और फलाना भी रहा है, ज़रूर किसी न किसी से। तो वो जानने की, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जानने के बाद दोनों में तलाक हो जाए, लेकिन जानने की उत्कंठा होती है और जानने की कोशिश करते हैं। अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो दोनों एक दूसरे की बातें बता दें, और मोबाइल की भैया मोबाइल तुम रखो, इसको ऑफिस जाते समय दे देना, किसी की कॉल आए तो हमारी बात करा देना, तब भी कोई बात कभी नहीं होगी और एक दूसरे के बीच में समझ बढ़ेगी, एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा, एक दूसरे पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और बाकी जो उसके पीछे छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा शुरुआती दौर में एक दूसरे पर ट्रस्ट होना ये बहुत ज़रूरी है, और कभी मोबाइल को इसमें आड़े मत आने दीजिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।